बातचीत कर दूँ, पहले मैं अगर उनके प्रिंसिपल साहब नहीं है तो मैं वाइस प्रिंसिपल साहब को उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनका आभार जाना चाहता हूँ, अपने भरपूर तालियां बजाएं। मैं आपसे पता चाहता हूँ कि वॉइस कोड क्या है और किस तरह आप कायदेमंद कोड बन सकते हैं, लामाइबा कोड बन सकते हैं और सिलाई तमगा जिसको गोल्ड मेडल कहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो आपने मेरी बात गौर से सुननी है और आप इसमें बड़ी तरक्की भी करेंगे और एक मुस्लिम शहरी बनेंगे। तो मैं इस विषय में आपको बताना चाहता हूँ कि वॉइस कोड जो तहरीक है ये 200 मुल्कों में 10 करोड़ से ज़्यादा वॉइस कोड हैं, गर्ल गाइड हैं, गर्ल स्कॉट हैं और ये जो टीन एज है 13 to 19 ये बड़ी खतरनाक सुननी जाती है। यहाँ तो आदमी इसमें डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, उस्ताद बनते हैं, वकील बनते हैं, किसी ऐसे शोबे में जाता है, खुदा ना खासा पूरी शोबे मिल जाए तो वही बच्चे जो है अपने पैसों का नशियात सिगरेट नशी और स्टील क्राइम का शिकार होते हैं। तो ये जो वॉइस कोड का ये ना इंसेंटिव देता है कि जब आप बात पूरी करेंगे, मुकम्मल करेंगे तो आपको एक गाइड मिलेगा, जब आप एक नमाज सुनाएंगे तो और गाइड मिलेगा, आप उतनी चीज़ें सुनाते रहेंगे तो आपको ना गाइड मिलते रहेंगे। तो जिस तरह एक बच्चा कहता है कि एक बच्चे के पास 4 गाइड है तो दूसरे बच्चे के पास 2 गाइड है, तो 2 गाइड वाला बच्चा कहता है कि मुझे भी मैं भी और उनका हाथ दूँ ताकि मैं 4 गाइड हासिल करूँ। तो इस तरह ये कहा गया स्कोर बनने के बाद आपको जो बकायदा था जिनके गोल्ड मेडल भी मिलता है और जो सर्टिफिकेट हासिल करते हैं इसके बाद फर्स्ट ईयर में दाखिल में 5 पॉइंट है, मेडिकल कॉलेज जाते हुए, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जाते हुए 5 पॉइंट है, फिर जॉब हासिल करते हुए 5 पॉइंट है। और ऐसे बच्चे जो चलाई तो वो हासिल करते हैं, उनका इंसान होता है, कम्पिटिशन होता है, तो बिरोड़े मुल्क भी जाते हैं। तो ये आपको मैं छोटा सा बताता हूँ कि हमने खेल ही खेल में सीखते हैं, तो मैं आपको तालीम चाहूँगा तो आपने तालियाँ बजानी है, आपने स्टाफ के लिए, प्रिंसिपल के लिए, जॉब के लिए मेहनत करनी है और आप एक अच्छे इदारे में हैं। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप अच्छा इदारे में पढ़ रहे हो, तो आप एक साथ देखना है कि मैं किस तरह तालीम देने, अभी ताली नहीं बजानी, सिर्फ सुन लें बात है, ये एक दवा बजाई है, 3 दवा बजानी है, अभी आगे नहीं बजानी है, अभी सिर्फ सुन लें, दो हो गया, दो दो दवा की है, 3 दवा। तो अब आपने जनरल जनरल कहूँगा ना कि भाई आप याद करेंगे अपने लिए और अपने टीचर के लिए और अपने स्कूल के लिए, तो मैं काशिम हूँ ये देखो ये अपने ना खेल ही खेल में ठीक है, बहुत सारे शायर अजीब है वो कहते हैं कि भाई जब हम वॉइस कोड बनते हैं और ताली बजाते हैं तो इसमें भी डिटेल है, इसमें भी शायरी है जो ताली बजाते हैं। तो ऐसे बच्चे जो वॉइस कोड बनना चाहते हैं, जो कागजात कार बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर कागो कि मेजर धीर बट्टी से निशान होकर क्वार्टर लीडर सुलबराज लिखी जिसके नाम से लिखी होकर 1963 के हिरो बहुत बड़े राशन में नाम निशाने आकर जिनकार में बट्टी को कंपेयरिंग करते थे, बहुत बड़ा नाम है, वो भी बच्चों में वॉइस कोड थे। तो आप बताएं आप में से कौन बच्चे हाथ खड़ा करके बताएं तो कागजा स्कोर बनना चाहते हैं, लंबे बॉल स्कोर बनना चाहते हैं या गोल्ड मेडल हासिल करना चाहते हैं, तो हाथ खड़ा करके बताएं। हाथ खड़ा करो, सारे कर लो, कर लो कर लो कर लो कर लो, सारे हाथ खड़ा करो, सारे हाथ खड़ा करो। बहुत शुक्रिया। जो लोग बच्चे अपना वॉइस कोड बनना चाहते हैं या गर्ल्स कोड बनना चाहते हैं, लड़के भी गर्ल्स कोड बन सकती हैं, तो अपने टीचर का अपना नाम बता रहे हैं या प्रिंसिपल साहब का नाम बता रहे हैं, तो आपको फिर हमने ट्रेनिंग देंगे, आप इम्तहान होगा, फिर आप गोल्ड मेडल भी हासिल कर सकेंगे, सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकेंगे और फॉरन मुल्क भी जा सकेंगे। आदमी ने मैं उनको नाम देना चाहता हूँ, मैंने खासी तौर पर ईरान, तुर्की, बल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, बेल्जियम, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, चाइना, मिसर, अमेरिका और दूसरे कई मुल्क रखे हैं, लेकिन जितना मुल्क है वो मालूम पाकिस्तान है, यहाँ के रहने वाले लोग हैं शादी दुनिया में और आज की ये पूर्ण का तकलीफ उसका जरूरत है। बहुत शुक्रिया। क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग।